हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भागम भाग की इस दुनिया में यंग जनरेशन दूसरे देशों में बसने के लिए हाथ पर मारती है। बड़ी संख्या में लोग अपने ही देश से बड़े बड़े सपनों के साथ विदेशों में जाना चाहते हैं, लेकिन वहां कानूनी रूप से रहने और सिटीजनशिप के लिए बने लंबे चौड़े कानून देखकर पीछे हट जाते हैं। इन देशों में सिटीजनशिप हासिल करना दोस्तों कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दुनिया में आज भी कई ऐसे देश मौजूद हैं जो वहाँ के नागरिकों के साथ शादी करने से ही सिटीजनशिप देते हैं। अगर आप भी इन देशों में से किसी एक देश में अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं और सिटीजनशिप के लिए परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का हल हम लेके आ गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको उन टॉप 12 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आसानी से वहां के नागरिकों के साथ शादी करके आप वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें धरती पर जन्नत की, तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का ही आता है। स्विट्जरलैंड जाने का सपना दोस्तों हर कोई देखता है, लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड देखिए बेहद ही महंगे देशों में से एक है, इसलिए कई लोग यहाँ जाने से कतराते भी हैं। वहीं जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं उनके लिए यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना बेहद ही मुश्किल होता है, इसलिए वो यहाँ ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि 1500 से भी ज्यादा झीलों के इस देश की नागरिकता मिलना यूँ तो टेढ़ी खीर है, लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में रहने का खर्चा उठा सकते हैं ना, जो कि ज्यादातर विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, तब आप स्विस नागरिक से शादी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में कामकाजी या रेजिडेंट परमिट से नागरिकता को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन स्विस नागरिक से शादी करने से नागरिकता के लिए 5 साल की जरूरत होती है। अगर आप कानूनी रूप से यहाँ 5 साल से रह रहे हैं और 3 साल करीब स्विट्जरलैंड के नागरिक के साथ शादी को हो चुके हैं, तो आपको स्विट्जरलैंड की नागरिकता आसानी से मिल सकती है। स्पेन। दूसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों यूरोपीय संघ में फ्रांस के बाद दूसरे सबसे बड़े देश स्पेन की। बेहद ही खूबसूरत देशों में से एक स्पेन में भी शादी करके स्पेनिश नागरिकता हासिल करना बेहद ही आसान है। अगर आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करते हैं ना, यहाँ रहते हैं और सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स पे करते हैं, तो आप स्पेनिश के नागरिक बन सकते हैं। बाकी देश में जहाँ नागरिकता हासिल करने के लिए 4 साल लग जाते हैं, वहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्पेनिश के नागरिक से शादी करके आप 1 साल में ही स्पेन की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए आपको स्पेनिश भाषा भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका में स्थित मैक्सिको। आज के जमाने में चॉकलेट भाई किसे पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट की शुरुआत भाई कहां से हुई थी। आपको बता दूं कि चॉकलेट की शुरुआत करने वाला मैक्सिको ही था। यहां के आदिवासी आज से हजारों साल पहले पॉपकॉर्न भी खाया करते थे। जी हां, आपने सही सुना। खैर हम अपने मुद्दे की ओर चलते हैं। मैक्सिको भी देखिए उन देशों में से एक है जहां आप वहां की नागरिकता को अपना जीवन साथी बनाकर आसानी से नागरिकता हासिल कर सकते हैं। मैक्सिको में अगर आप किसी महिला या पुरुष से शादी करते हैं, तो आप सिर्फ 2 साल में ही सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिको का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल माना जाता है। अगर आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं ना, तो आप मैक्सिकन पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे आप 134 देशों में बिना वीजा के ही जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मैक्सिको में रहने का सपना देख रहे हैं, तो अभी से मैक्सिको में अपने पार्टनर की तलाश शुरू कर दीजिए। जर्मन। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी में रहने का सपना लिए हजारों लाखों लोग जर्मनी पहुंचते हैं, लेकिन कई कारणों से वापस आ जाते हैं। अगर आप भी जर्मनी में रहने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपको वापस लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी में आप आसानी से नागरिकता हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करने के बाद यहाँ की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लगे हाथ में ये भी जान लीजिए कि ज्यादा मात्रा में बियर का सेवन करने वाले इस देश की लड़कियाँ बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि यहाँ शादी करने के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि नागरिकता हासिल करने के लिए एक अहम हिस्सा है, और कानूनी रूप से जर्मनी में अपनी पत्नी के साथ 3 साल के लिए रहना भी होगा। इस तरह आपको नागरिकता के लिए आवेदन में रखा जाएगा। यहाँ जर्मनी सीखने के दौरान आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। नीदरलैंड्स। लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है दोस्तों नीदरलैंड्स। इस खूबसूरत मध्य यूरोपीय देश को हॉलैंड भी कहा जाता है, जहाँ रहने का सपना हर कोई देखता है। अगर आप नीदरलैंड्स में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो देश की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता सामान्य रूप से न्यूनतम 5 साल होती है, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करते हैं, तो इन नियमों में थोड़ी ढील दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि 2001 में बने कानून के तहत समान लिंग के लोगों की शादी को मंजूरी देने वाला नीदरलैंड्स प्यार में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखता है, इसलिए फ्रॉड करने का तो सोचिएगा ही नहीं। अगर आप नीदरलैंड्स में अपने पार्टनर के संग लगातार 3 साल तक रहते हैं ना, तो आप नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए खुद ही योग्य हो जाएंगे। जब तक आप आवेदन करने के लिए योग्य अवधि के दौरान अपने जीवन साथी के साथ हैं, तब तक उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नीदरलैंड्स में रहते हैं या बाहर किसी और देश में। माल्टा।
दोस्तों छठवें नंबर पे आता है यूरोप में बसे अपने खूबसूरत नजारों के लिए दुनिया में जाना जाने वाला देश माल्टा। माल्टा में आपको सिटीजनशिप के लिए शादी के बाद 5 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक टाइम था जब बिना शादी के भी माल्टा की सिटीजनशिप आपको आसानी से मिल सकती थी। लेकिन सिटीजनशिप मिलने के बाद कई लोगों ने फ्रॉड किया और यहाँ की लड़कियों को टॉर्चर भी किया। इसके बाद से ही माल्टा अपने सिटीजन की सुरक्षा के लिए अलर्ट हो गया और कुछ कड़े नियम बनाए गए, और अब माल्टा की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको यहाँ के नागरिक से शादी करना कंपलसरी है और लगभग 5 साल का इंतजार भी। यूक्रेन 7वें नंबर पे आता है दोस्तों। यूक्रेन, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, प्यार को लेकर यूक्रेन भी कुछ ज्यादा ही सीरियस माना जाता है। दूसरे देशों में जहाँ प्यार करने वालों को सजा दी जाती है और अलग कर दिया जाता है, वहीं यूक्रेन में लवर्स को साथ रहने के लिए एनकरेज किया जाता है। यहाँ तक यूक्रेन की सरकार का भी ऐसा मानना है कि प्यार करने वाले को हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। यूक्रेन में अगर आप अपने पार्टनर यानी कि यूक्रेनी नागरिक के साथ लगातार 2 साल तक भी रहते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन के लोगों को काफी हद तक पॉजिटिव माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में मशहूर यूक्रेन की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत और स्ट्रांग होती हैं? फिर प्यार से प्यार करने वाले यूक्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों युद्ध छिड़ा हुआ है और इस कारण वहाँ के हजारों लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये युद्ध शांत हो जाए और शांति बने। बेलीज दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर की ओर। 8वें नंबर पर हम लेके आए हैं बेलीज को। मध्य अमेरिका में कैरेबियन सागर के साथ मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच स्थित बेलीज एक छोटा सा अंग्रेजी बोलने वाला राष्ट्र है। दोस्तों बेलीज में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर आप बेलीज के नागरिक से शादी करते हैं तो आप बिना पैसे खर्च किए सिर्फ कुछ महीनों में ही यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको 4 से 5 साल रुकने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से नागरिकता हासिल करने से पहले आपको 1 साल तक बेलीज में रहना जरूरी है। कोलंबिया 9वें नंबर पे आता है दोस्तों। साउथ अमेरिका का सबसे सुंदर देश कोलंबिया। कोलंबिया अपने शानदार म्यूजिक के लिए जाना जाता है। दोस्तों बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं के अमीर कोलंबिया की लड़कियां बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। कोलंबिया की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये ईमानदार और स्वभाव से बहुत अच्छी होती है। कोलंबिया में सिटीजनशिप हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यूं तो यहाँ सिटीजनशिप के लिए आपको 10 से 15 साल का इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी कोलंबियन लड़की या लड़के से शादी करते हैं और उसके साथ रहते हैं तो आप सिर्फ 2 साल में ही कोलंबियन बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 साल में ही आपको कोलंबिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ब्राजील दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले ब्राजील की, जो कि 10वें नंबर पे है। ब्राजील को दुनिया में फुटबॉल के लिए हर कोई जानता है और ज्यादातर यंगस्टर्स इस देश में अपना भविष्य बनाने का सपना लिए जाते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति ब्राजील में ही बनी हुई है। सुंदर और हसीन वादियों से घिरे ब्राजील में शादी करके नागरिकता प्राप्त करना बेहद ही आसान है। यूं तो ब्राजील हम सबके लिए देखे सपनों का देश है, लेकिन यहाँ सिटीजनशिप प्राप्त करना आसान नहीं है। पर अगर आप ब्राजील के किसी महिला या पुरुष से शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपका ये सपना साकार हो सकता है। दूसरे देशों में शादी के बाद भी 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ के सिटीजन से शादी करने के लिए सिर्फ 1 साल बाद ही आप वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई मोटी रकम भी खर्च नहीं करनी होगी और 1 साल में ही आप ब्राजील के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों। इसराइल दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 11वें नंबर पे आता है इसराइल। इसराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे ताकतवर देशों में होती है। दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र इसराइल इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। यही कुछ और बातें इसराइल को और ज्यादा खास बनाती है, जिससे युवा इसराइल में रहने के और सेटल होने के सपने देखते हैं। क्या आप ही उन्हीं युवाओं में से एक हैं? तो ये क्लिप आपके लिए है। दोस्तों इसराइल में भी शादी के जरिए सिटीजनशिप लेना बेहद ही आसान है। अगर आप भी इसराइल में सेटल होने का सोच रहे ना, तो अब आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब आपको बार बार सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बल्कि इसराइल के नागरिक से अगर आप शादी कर लेते हैं तो कुछ ही सालों में आप इसराइल के नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करके सेटल होना होगा। पुर्तगाल, अब बात करेंगे दोस्तों लिस्ट के आखिरी पायदान पर खड़े देश की, जिसका नाम है पुर्तगाल। यूं तो लोग स्पेन, मैक्सिको जैसे देशों में बसना चाहते हैं, लेकिन अगर हम में से कोई ऐसा भी है जो पुर्तगाल में अपने सपनों का महल बनाना चाहता हो, और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये क्लिप जरूर देखिए। यूं तो पुर्तगाल में रहना और वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना बेहद ही मुश्किल है। सिटीजनशिप के नाम पर मोटी रकम जाने के साथ साथ आपका टाइम भी जाएगा, और फिर भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी पुर्तगाल नागरिक से शादी कर लेना
तो इस तामझाम से आप बच के निकल सकते हैं। पुर्तगाल में शादी करके नागरिकता लेने का तरीका बेहद ही आसान है। अगर आपने भी पुर्तगाल में अपनी जिंदगी बिताने की सोची है तो जल्दी से जल्दी पुर्तगाली पार्टनर की तलाश शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही एक आसान तरीका है जिससे आपको आसानी से पुर्तगाल की नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ तमाम देश जहां के नागरिक से शादी करके आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आप कौन से देश की नागरिकता लेना पसंद करेंगे अगर आपको मौका मिले, और संग में वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।